वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड तान्या एंड यू आर वाचिंग तान्यास हैंडमेड हेवन। तो मैं ये वीडियो में देखने से पता चलेगा क्यों स्पेशल है। तो आज के जो DIYs होने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक और सिंपल से होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट DIY की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है कि फूड कंटेनर। आपके पास में कैसा भी फूड कंटेनर पड़ा हो तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने कर दिया है वाइट एक्रेलिक पेंट। आप यहाँ पे कोई भी बेस कोट दे सकते हैं, जैसे कि ब्लैक, येलो, ब्लू, रेड, पिंक या फिर कोई सा भी। और मैंने इस पर ये पिंक कलर के फ्लावर्स बनाए हैं। अभी रिसेंटली मुझे इसका नेम ध्यान नहीं आ रहा है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा और मैं इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ हो गई हूँ ना इन मामलों में कि मुझे कोई भी चीज़ याद ही नहीं रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि अब दिन बहुत ज़्यादा अच्छे होने लग गए हैं, मतलब धूप इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना कि आप अपना बैठ के काम कर सकते हैं। तो हमने इस पर ये सारा सब कुछ कर लिया था। उसके बाद में देखते हैं अब इसका फाइनल लुक। तो हमारे पॉट का कुछ ऐसा सा फाइनल लुक आया है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाला लग रहा था ये। इस पर वार्निश अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो हमने यहाँ पे लिया है एक ये है हमारे जो किचन में जो डब्बे होते हैं ना, ये वही है। और इसमें क्या आया था ये मुझे नहीं पता। तो हमने इसका ऊपर वाला जो पार्ट था वो उसे कट कर दिया है, और जिसकी अनइवन सरफेस थी उसे मैंने कट कर दिया है अच्छे से। और इसका जो अपर पार्ट था उसे हम नीचे पेस्ट करेंगे इसके। तो मैंने यहाँ पर फेविबॉन्ड का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी सुपर ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है क्या, मैंने इस पर ये वाला जो पैटर्न बनाया है ये बनने के बाद में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आपको ना मैं एक चीज़ बताती हूँ कि मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा कम टाइम मिला है, क्योंकि अभी ना लगातार 25 से फंक्शन ही फंक्शन चल रहे हैं। तो अभी मेरे बुआ के बेटे का बर्थडे भी था तो हमारे घर में ही था, मतलब फंक्शन था। और अभी हमारे घर में एक शादी है तो वो भी सारे फंक्शन हमें अटेंड करने हैं। मतलब जैसे उन्होंने रामायण का पार्ट बैठा रखा है तो उसमें भी जाना आना जाना हो रहा है, और हल्दी मेहंदी के फंक्शन है। अब आप समझ सकते हैं कि जब घर में शादी होती है तो कम टाइम मिल पाता है। लेकिन हाँ, चलिए कोई बात नहीं, मैनेज होके वीडियो तो बन ही रहा है। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो लगा कैसा है। और अगर कोई भी कमी आपको लगती है मेरी वीडियोज़ में कि हाँ ये कमी रह गई है या ये चीज़ आपको करनी चाहिए, तो प्लीज़ बिना झिझक के मुझे कमेंट्स में बताया करिए कि तान्या ये कमी रह गई है तो मैं अगली वीडियो से वो सुधार करूँगी। और आपको एक चीज़ पता है क्या, मतलब मैं दिल से बोल रही हूँ बिल्कुल, कि जो हमारे रेगुलर जो कमेंट करते हैं तो उनका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। मतलब जब मुझे लगता है कि अगर आपके कमेंट्स नहीं आए हैं तो मुझे दिल से ऐसा लगता है ना कि हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो नहीं अच्छी लगी है या कोई कमी रह गई होगी मेरी वीडियोज़ में। तो मतलब मैं इंतज़ार करती हूँ। काट के बनाया था तो वो हमारा जो प्लांटर है वो कुछ ऐसा सा रेडी हुआ है, और ये बिल्कुल ऐसा फील दे रहा है जैसे कि चीनी मिट्टी वाले जो कंटेनर्स आते हैं ना, प्लांटर्स, जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। मैं ना इसे बनाने कुछ और वाली थी लेकिन ये बन कुछ और गया है। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी हम कोई सोच समझ के चीज़ें बनाते हैं ना तो वो कभी भी अच्छी नहीं बनती, और बिना सोचे समझे वाली चीज़ें हमेशा जो है ना वो अच्छी। जब मैं YouTube पे नहीं थी तो उससे पहले मैंने ये बनाई थी। एक एग्जीबिशन में गए थे और लकली उसका लास्ट डे था तो हमें पता है ये वाली जो बर्नी है, ये जो आप देख रहे हैं जिससे मैंने ये बनाया है, तो ये हमें अच्छा, आप लोग गेस करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये कितने की पड़ी होगी मेरे को। दही जमाएंगे, लेकिन अब इसका मन कर रहा है ना मुझे कि इसका सेट वाला प्लांटर के साथ वाला ये। तो अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो हमारा इसका फाइनल लुक तो हो गया है, लेकिन मैंने आपको इसमें एक चीज़ और दिखाई है, तो वो ये है। तो ये हमारी टेरेस गार्डन पे लगा हुआ एक पेड़ है जिसमें ये फ्रूट्स आते हैं, तो ये शायद चाइनीज़ ऑरेंज है। इसका छिलका जो है ना वो मीठा होता है, और जो इसका अंदर वाला पल्प होता है ना वो खट्टा होता है।
तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है ना वो टैंगी सा बनता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और मैं इसे तोड़ती जा रही थी, तोड़ तोड़ के मतलब रखती जा रही थी ना, इतना अच्छा लग रहा था। और आपको पता है कि एक तोड़ा था वो नीचे गार्डन में गिर गया था मेरे, लेकिन ये हमारे बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। मतलब जब भी हमारे यहाँ कोई आता है ना तो हम उसे ये ज़रूर खिलाते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, और नीचे जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। तो हम चले नीचे, तो हम आ गए थे, और पता है आपको क्या, मैं लंगड़ी हो गई थी, मेरे पैर में चोट लग गई थी ना, तो इस वजह से। तो हमारा ये एक छोटा सा आम का पेड़ है, मतलब गमले में ही लगा हुआ है, और इसमें ना बहुत ही छोटी छोटी अमियाँ आती हैं। मतलब आपने कभी ऐसा सुना है कि ठंडियों के मौसम में अमियाँ आ रही हों? नहीं ना। तो ये देख लीजिए, हमारी ये अमियाँ लगी हुई हैं, ये पक गई हैं अमियाँ, और पक के ना जैसे क्रैक्स आ जाते हैं ना उनमें, तो ये वैसे भी हो जाती हैं। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें एक, ये देखिए ये फट गई है अमियाँ पूरी पक के, और इनका स्वाद ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और मेरी ये छोटी छोटी अमियाँ जो थी ना वो नीचे गिर गई थी, तो मैंने इन्हें बटोर के सब प्लेट में रख लिया है। तो मेरा ना मतलब ऐसी चीज़ें दिखाने का बहुत ज़्यादा मन करता है आप लोगों को, आप लोगों के साथ में अपनी लाइफ शेयर करने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो ये एक रोज़ था जो मैं दिखा रही थी, मतलब इतने सब पेड़ में ना ये सब फूल ख़राब हो गए थे। ये क्या है पता नहीं, ये कुछ था, ये बचपन में मैंने बहुत खाया है, लेकिन मुझे अभी इसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है कि इसे क्या कहते हैं, लेकिन ये लगता बहुत टेस्टी है और खट्टा होता है बिकट। तो मैंने जब इसे तोड़ा था तो इसमें से इतना रस गिर रहा था, मतलब इतना ज़्यादा जूसी था ये, और मैंने इसे बैठ बैठ के वहीं खाती जा रही थी, मतलब तोड़ तोड़ के मैं सारे फल खाती ही जा रही थी। मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए ज़रा, और ये इतना ज़्यादा खट्टा था कि आपको मेरा मुँह से लग रहा होगा। और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये था चाइनीज़ ऑरेंज जो कि मैंने छत से तोड़ा था, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हमारे इतने सारे ये फल जो हैं हमारे गार्डन से टूट के निकले हैं, और मतलब ये देखिए ज़रा, चल नहीं पा रही थी मैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो हमने यहाँ पे लिया है फूड कंटेनर, जिस पर मैंने ना ये होल्स कर लिए हैं, होल्स किए हैं, और साथ में नीचे जो आपको बड़े बड़े होल्स दिख रहे हैं ये किए हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है ये चॉक पेंट ब्लैक कलर का, और मैं इस पर ना स्पंज की हेल्प से कर रही हूँ डैब डैब करके। आपको अगर ब्रश से करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि स्ट्रोक्स दिखते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। तो आपको जितने भी होल्स दिख रहे हैं, जो ये माइनस वाले होल है ना, तो इनमें आपको टांके लेके जाना है और लेके आने हैं। तो मतलब हर उसमें से हमने लिए हैं ये पाँच पाँच होल्स में लिया है ये धागा, तो आपको ये देख के समझना पड़ेगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो ये मैं नहीं कर रही, मतलब मम्मी बना रही हैं ये। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी धूप निकली थी, और पता है आप धूप में बैठने के बाद में इतना आलस आ जाता है ना कि काम करने का मन नहीं करता है। मैं सही बता रही हूँ, बिल्कुल सच बता रही हूँ मैं। ऐसा अगर आप लोगों के साथ भी होता हो ना, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि भाई, मैं तो धूप में बैठती हूँ ना, उसके बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आती है कि मैं सो ही जाती हूँ। तो हमने यहाँ पे लिया है ये मिरर वाले स्टिकर, क्योंकि हमने इस पर डायमंड शेप बनाए हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये डायमंड वाले शेप के मिरर्स लगाए हैं। मिरर्स नहीं है, मिरर वाले स्टिकर हैं, और डॉट डाल दिए हैं। मतलब ये बनने के बाद में ना बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा प्लांटर लग रहा था, और बहुत सुंदर भी लग रहा था। फिर हमने क्या किया ना कि ये हाफ़ कट कर दिए थे, क्योंकि ऊपर इतनी स्पेस नहीं थी उनमें लगाने के लिए। तो आप इनकी जगह पर कोई और भी चीज़ लगा सकते हैं, जैसे कि कोई भी आपके पास में सितारा पड़ा हो तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर आपके पास में कोई भी गोल वाले सितारे पड़े हों तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बनने के बाद में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आपको पता है क्या, ये फूड कंटेनर था जिसे हमने ऐसा ये प्लांटर बना लिया, और ये वाकई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये फूड कंटेनर ही है। तो मतलब जब आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं ना बिना सोचे समझे वाली, तो वो चीज़ें हमेशा अच्छी बन के आती हैं। अब मैं धूप में बैठ के जल्दी जल्दी काम करने पर लगी पड़ी थी, और इतना ज़्यादा, मतलब आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं कितना ज़्यादा बक 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 करती हूँ, लेकिन मेरा मन होता है आप लोगों से बात करने का। यहाँ पे भी पता नहीं मैं क्या बोल रही थी। तो मैं नीचे गई थी अपने गार्डन में, तो मैंने वहाँ पे देखा कि कोई पौधा ऐसा पड़ा हो, तो ये एक फूड कंटेनर में, मतलब ये बहुत पहले लगाया था तो ये ना ख़राब हो गया था, मतलब पूरा टूट गया था इधर उधर से। वैसे तो ये गल के नहीं टूटता है, लेकिन हाँ ये गिर गया था ना तो ये टूट गया था। तो मैंने क्या किया ना कि इसे निकालने के बाद मैंने इसमें रख दिया था। तो ये ना ये वाले जो प्लांट्स होते हैं, ये इंडोर वाले प्लांट्स होते हैं, इनमें बहुत कम पानी पड़ेगा,
इस वजह से मैंने ये इसमें रखा है। और इसमें आप कोई भी ऐसा प्लांट मत रखिएगा जिसमें ज़्यादा पानी पड़ता हो, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर पड़ेगा ना तो ये ऊन वाले जो प्लांटर है ना ये ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से तो आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, और कोई भी कमी लगती हो तो प्लीज़ मुझे बताइए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाय।